900 साल पुराना मंदिर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री सोमेश्वर मंदिर की। हेलो ऑल, वेलकम बैक, माय नेम इज ज्योति, होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आई हूँ यहाँ पे बानेर पाषाण में श्री सोमेश्वर टेंपल में। बहुत एक सुंदर सा बड़ा सा मंदिर है और जस्ट मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं और अंदर से पूरे दर्शन करवाऊं। बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुकी हूँ। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। स्वयंभू जो वर्ड है वो संस्कृत से आता है। स्वयं का मतलब है खुद से, अभू का मतलब है प्रकट होना, उसका जन्म होना। तो ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है, जो खुद से जो प्रकट हुआ हुआ एक शिवलिंग है। कहते हैं कि चरवाहे ने अपनी गाय को एक सांप के बिल में दूध डालते हुए देखा। उसी रात में उसे एक सपना आया जिसमें उसने भोलेनाथ के दर्शन किए। दूसरे ही दिन उसने उस बिल को खुदवा के देखा तो वहां पे ये शिवलिंग उसने देखा। सोलह और 1650 के बीच में यहाँ जीजा माता भी पूजा करने आया करती थी और उनके साथ उनके बेटे शिवाजी महाराज भी आया करते थे, इसलिए इस जगह को जीजापुर पेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक 40 फीट ऊंची खूबसूरत सी दीप माला बनी हुई है। शिवराम भट्ट चित्र स्वामी जी को सोने से भरा हुआ एक थैला मिला था, जिन सिक्कों को उन्होंने इस मंदिर के रेनोवेशन यानी कि नवीकरण में खर्च कर दिया। उनकी भी समाधि इस मंदिर में बनाई गई है। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों का एक खुला संग्रहालय या ओपन म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों की छवि दिखाई गई है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुना, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैजनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, कृष्णेश्वर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।